खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि 1 मई 2023 से ही 5 राशि वालों की किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। 5 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। और मित्रों, अप्रैल के तुरंत बाद मई का जैसे ही महीना शुरू होगा ना, 5 राशि वालों को कर्ज मुक्ति और विवाह का योग दोनों ही भाव उत्तम रूप से बनने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मई के महीने में 2 तारीख के दिन भगवान शुक्र देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि जीवन में शुक्र देव को सौंदर्य, वैवाहिक जीवन, वाहन, भौतिक सुख, धन, समृद्धि, इन सभी का कारक माना जाता है। और साथ ही मित्रों, मंगल ग्रह भी गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा मई के महीने में चंद्र ग्रहण जैसी एक साल की पहली महत्वपूर्ण घटना भी बन रही है। विशाख पूर्णिमा भी है। कुल मिलाकर दोस्तों 5-6 ऐसे शुभ संयोग बन रहे हैं ना, जिसके कारण 5 राशि वालों के जीवन में बहुत ही अच्छा परिवर्तन होने जा रहा है। 5 राशि वाले किस्मत में भाग्य उदय होने जा रहा है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की तैयारी कर लीजिए मित्रों। 5 राशि वाले 1 मई से ही अपनी किस्मत को बदल रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से है वो 5 सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत में कर्ज मुक्ति और विवाह का योग दोनों ही भाव बनने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अभी हाल ही में अक्षय तृतीया निकली थी और अक्षय तृतीया पर भी कई साल बाद अद्भुत संयोग बने थे। मई के महीने में 2 मई 2023 मंगलवार के दिन ही दोपहर को 1:49 पर भगवान शुक्र देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र देव गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र देव जो है ना, वो वैवाहिक जीवन में बहुत ही अच्छा बदलाव करते हैं। सांसारिक सुख को बढ़ाते हैं, आर्थिक स्थिति को बढ़ाते हैं, स्वास्थ्य में भी अच्छा प्रभाव रहता है और जो धन संपत्ति होती है ना, वो भी बढ़ जाती है। तो चलिए, मई में दोस्तों सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है ना, वो आती है वृषभ राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ई ऊ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। मित्रों, सभी 12 राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके और इसी बहाने भगवान शनिदेव के नाम का स्मरण भी हो सके, क्योंकि भगवान शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं। अच्छे और बुरे कर्म का जो फल होता है ना, वो बहुत ही जल्द प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है ना, वृषभ राशि। आपको बता दें, वृषभ राशि के लोगों के लिए इस मई के महीने में उनका जो लग्नेश धन का भाव है ना, वो बहुत ही अच्छा बनने जा रहा है। इससे मई में आपको मन में जल्द से जल्द धनवान बनने की इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी। और होगा क्या इससे कि आप ज्यादा मेहनत से काम करेंगे और रिस्क लेने से नहीं हिचकिचाएंगे, और इसका डायरेक्टली फायदा आपको अपने बिजनेस पर देखने को मिलेगा। इस साल मई 2023 के महीने से ही वृषभ राशि वालों को बिजनेस में जबरदस्त रूप से मुनाफा होगा और कार्य क्षेत्र में आपको धन कमाने के कई बड़े अवसर भी प्राप्त होंगे। मई 2023 में वृषभ राशि वालों को धन और संतान दोनों में ही बढ़ोतरी देखने की पूरी संभावना बन रही है। भगवान शुक्र देव के प्रभाव से आप विशेष रूप से रचनात्मक और कलात्मक दोनों ही क्षेत्र में आप अपने करियर को बनाएंगे, और इस अवधि में लंबे समय की इन्वेस्टमेंट के लिए भी समय दोस्तों बहुत ही अच्छा है। अगर आप नौकरी करते हैं, दूसरों के यहाँ पर जॉब करते हैं और आपके वृषभ राशि है ना, तो मई से ही वृषभ राशि वालों को नौकरी में भी तरक्की और प्रमोशन देखने को मिलेगा। और अगर आप किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं ना, तो वो आपकी तलाश पूरी होगी, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। और हाँ मित्रों, इस साल 2023 में वृषभ राशि वालों का विवाह होने का योग भी प्रबलता के साथ रहेगा। चलिए जानते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गो माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गो माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गो माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है, और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गोमाता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल, दोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे, वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे, और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप गौ माता के हरे चारे के लिए सहयोग करना चाहो, आप
उस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ जो भी व्यक्ति गो माता के हरे चारे के लिए दान करता है ना, उनके जीवन में माता लक्ष्मी, भगवान शनिदेव और स्वयं धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलता है वो इसी जीवन में कई हजार गुना मिलता है और यही कटु सत्य है। क्योंकि मित्रों, शास्त्र का यही सिद्धांत है, कर भला तो हो भला, हमेशा भलाई का काम जरूर कीजिए। चलिए जानते हैं मई के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी वो आती है कन्या राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर टो पा पी पू छ ण ठ पे और पो से शुरू होता है उनकी कन्या राशि होती है। दोस्तों, कन्या राशि वालों के लिए भगवान शुक्रदेव 2 मई के दिन दूसरे और नवे भाव के स्वामी है जो की आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और इसीलिए दोस्तों मई से ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष नहीं बल्कि अद्भुत रूप से सफलता मिलेगी। नौकरी और बिजनेस दोनों में ही बड़े बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। आपको अपने कारोबार का विस्तार हो सकता है, इन्वेस्टमेंट दोस्तों मिल सकता है या अगर आप कहीं पर भी नौकरी करते हैं ना, तो नौकरी में आपको 100% इसी महीने तरक्की मिलने के योग है या आप किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो करियर आपका बहुत ही अच्छा सेटल भी हो सकता है। करियर और बिजनेस दोनों में दोस्तों आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और इसी के साथ नौकरी और कारोबार के लिए लंबी दूरी की यात्रा पर भी आपको जाना पड़ सकता है। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा का योग भी बन रहा है लेकिन आपके लिए सुविधाजनक और आरामदायक सफर होगा। उसके अलावा जो व्यक्ति होटल, खेल या विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट आदि क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं ना, तो उनको स्पेशली बहुत ही अच्छे तरीके से फायदा भी मिलने वाला है। चलिए मित्रों, अगली जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है वो आती है कुंभ राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों, कुंभ राशि के लोगों के लिए भगवान शुक्रदेव योग कारक है जो कि उनके सुख भाव और भाग्य भाव के स्वामी भी है और ये कुंभ राशि के 5वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं 2 मई के दिन, जिससे कुंभ राशि के त्रिकोण भाव के स्वामी का त्रिकोण में जाना विशेष रूप से अच्छा फल देने वाला माना जा रहा है। जिनकी भी कुंभ राशि है उनकी राशि में अभी शनि की 7:30 चल रही है तो हल्की फुल्की परेशानियां तो आपके बनी हुई है, लेकिन मई से ही जब भगवान शुक्रदेव गोचर करेंगे ना, तो इससे कुंभ राशि वालों को मान सम्मान में बढ़ोतरी मिलेगी और जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनको अवार्ड या कोई भी ट्रॉफी वगैरह भी मिल सकती है, उनको कोई भी बड़ा अचीवमेंट हासिल हो सकता है। शिक्षा से जुड़े लोगों को सम्मान मिलेगा और वहीं अगर आप सट्टा, लॉटरी या इन्वेस्टमेंट में कहीं पर भी निवेश करते हैं ना, तो अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है, हालांकि सोच समझ कर ही कीजिए ना। इस साल 2023 में कुंभ राशि वालों को अचानक से बड़ी धन राशि प्राप्त हो सकती है। यह समय आपके लव लाइफ और रोमांटिक रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। आपको अपनी नौकरी में उच्च पद मिलेगा। स्वतंत्र बिजनेस करने वालों के लिए काफी अच्छा धन कमाने का योग भी बन रहा है। चलिए जानते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं रहता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है दक्षिणा के तौर पर। अगर आपकी कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपको व्यापार में नुकसान जा रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है और उसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। आप ये जानना चाहते हैं कि आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में आपको सुख कब मिलेगा, आपको नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए, अगर व्यापार करना चाहिए तो कौन सा और किस चीज का व्यापार आपके लिए शुभ अच्छा फलित होगा, किस देवी देवता की पूजा करना आपके लिए फायदेमंद है, कौन सा रत्न पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा और उसको पहनने की विधि क्या है, तो उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए मित्रों, मई के बाद से ही
अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो ना नी नू ने नो या यी और यू से शुरू होता है उनकी वृश्चिक राशि होती है। दोस्तों वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए अभी हाल ही में 22 अप्रैल के दिन गुरु गोचर हुआ था और साथ ही अक्षय तृतीया पर अद्भुत संयोग बने थे जो कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा क्योंकि इसी महीने मई में भगवान शुक्र देव का गोचर भी हो रहा है। दोस्तों अगर आप कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं तो इस महीने आपको सफलता मिलने की उम्मीद है, कोर्ट कचहरी के मामले भी आपके पक्ष में रहेंगे। साथ ही इस समय आप अपने साहस और पराक्रम दोनों में ही बढ़ोतरी कर सकते हैं। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं ना, या अपनी खुद की फर्म चला रहे हैं, उनके लिए ये समय फायदेमंद साबित होगा। और वहीं अगर आप अविवाहित कुंवारे हैं तो इस साल आपका विवाह होने का योग भी प्रबलता के साथ बनेगा। अगर आप मकान या जमीन में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो मई 2023 से जो समय है ना वो एकदम से आपके लिए अच्छा और फेवरेबल रहेगा। ओके मित्रों, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों